और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से खबर आ रही है जहां इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में परमजीत के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। 25,000 का इनामी बदमाश परमजीत उर्फ काके सरदार, इसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। एक डकैती का वांछित मुलजिम परमजीत उर्फ काके, जिसपे 25,000 का इनाम था, उसके मूवमेंट की सूचना मिली। पुलिस थाना हरी पर्वत टीम ने पिकट लगाकर इस अभियुक्त को रोकने की कोशिश की, तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त परमजीत उर्फ काके को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इस अभियुक्त के ऊपर 7 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी आगरा में पंजीकृत हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से खबर आ रही है जहां इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में परमजीत के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। 25,000 का इनामी बदमाश परमजीत उर्फ काके सरदार, इसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। एक डकैती का वांछित मुलजिम परमजीत उर्फ काके, जिसपे 25,000 का इनाम था, उसके मूवमेंट की सूचना मिली। पुलिस थाना हरी पर्वत टीम ने पिकट लगाकर इस अभियुक्त को रोकने की कोशिश की, तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त परमजीत उर्फ काके को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इस अभियुक्त के ऊपर 7 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी आगरा में पंजीकृत हैं।